मैं इनको इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। ये काफ़ी समय से भाजपा के बूथ जो अध्यक्ष है रहे, पच्चीस अध्यक्ष साल रहे हैं, करीब हो 25 साल, गए, 25 साल पच्चीस से, साल हो गए जी। और आज ये कार्यक्रम इन्होंने ही यहाँ पे बिल्कुल करवाया। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये हमेशा उनके दिशा निर्देश हैं कि आप रिमोट गांव में जाएं, लोगों की समस्याएं सुने, मेरे पास लाएं। और चौक गलू से गतियाड़ा अंतोला सड़क, इसको पक्का करना और सही ढंग से अंतोला तक सड़क को ठीक करना ताकि उसमें गाड़ियां चल सके। बिजली की समस्या, हमें अभी तक भी सिंगल फेज बिजली आ रही है, इसको कम से कम दो या तीन फेज करना। देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ त्रिमली पंचायत में ब्राह्मण जल जो रोड है उसका विधिवत रूप से उसका भूमि पूजन किया। तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की 80% आबादी जो है गांव में बसती है, और गांव में बहुत टैलेंटेड युवा, टैलेंटेड हमारे जो यूथ जो है वो बहुत आगे पहुँचे हैं, जोगिंद्रनगर का विकास करना चाहते हैं। राजनीति चाहे बीजेपी या कांग्रेस है, राजनीति की परिभाषा सेवा नीति है। हम मैं मुनीष ठाकुर अभी मौजूद हूँ जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत कोल्लंग के गांव गुदियाड़ा में। जी हाँ, आज यहाँ पे हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। क्या आज पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम यहाँ पे था, हम आपको बता दें कि जो एक यहाँ पे लिंक रोड है, जो सब सड़क संपर्क मार्ग एजुबसाई से लिंक रोड है, चौक गलू से गदियाड़ा होते हुए अंतोला के लिए, आज यहाँ पे इस सड़क का जो है हम कहें तो विधिवत तरीके से जो है भूमि पूजन यहाँ पे किया गया। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीवन ठाकुर जी आज इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नजर आए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए। वैसे तो आपका ये गांव में पड़ता है, लेकिन फिर भी कवरेज किया इसलिए बंडल ऑफ थैंक्स। धन्यवाद सर। सबसे पहले जीवन जी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरा भी ये खुद का गांव है, हमारा गांव है, और स्पेशली जो दूसरा गांव है वो हमारी पंचायत का ही गांव है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समस्त गाँववासियों की ओर से, क्योंकि पर्सनल इंसेंटिव अगर हम कहेंगे तो इसमें बहुत बड़ा रोल है आपका, क्योंकि ये जो सड़क अब बनने जा रही है, कहीं ना कहीं सड़क पहले बनी थी, हालांकि गाड़ियां यहां पे नहीं जाती थी, लोग बहुत परेशान थे, काफ़ी गाँव के आज क्षेत्र के लोग आपसे मिले, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ त्रिमली पंचायत में ब्राह्मण जल जो रोड है उसका विधिवत रूप से उसका भूमि पूजन किया, और पिछले 60-70 सालों से उस वो गांव जो है सड़क से महरूम था, और उसमें सड़क की सुविधा थी ही नहीं। और आज उस दिन जब मैं आया तो उस दिन बात हुई थी कि यहाँ गदियाड़ा से अंतोला गांव, वहाँ उस गांव की भी ये हालात है, कुछ कोशिश हुई थी उस रोड को बनाने की, लेकिन गाड़ियाँ नहीं जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की 80% आबादी जो है गांव में बसती है, और गांव में बहुत टैलेंटेड युवा, टैलेंटेड हमारे जो यूथ जो है वो बहुत आगे पहुँचे हैं इस इलाके से, कोई जर्मनी में, कोई विदेश इंग्लैंड में, बहुत सारी जगहों में, इतने ज़्यादा हीरे इस इलाके में हैं जिनको मैं समझता हूँ कि इस इलाके से बहुत प्रेम है, उनमें से आप भी एक हैं। और ये जो सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पहाड़ियों को डेवलप करना मैं समझता हूँ कि मेरा नैतिक दायित्व बनता है, और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम इन सब समस्याओं को लेकर के जाते हैं, ताकि ये जो पहाड़ियाँ जो जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, ये इस इलाके में बसता है, लेकिन पानी की समस्या, सड़क की समस्या, इस वजह से जो है हम लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं आप लोगों की हैं वो मेरे समक्ष रखें, ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रख करके विकास करें, क्योंकि एक नेता के लिए ये पूरा विधानसभा क्षेत्र अपना परिवार है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, फेसबुक के माध्यम से भी देख रहा हूं, कुछ मैं अभी एक दो दिनों से एक शिकायतें सुन रहा था कि आप फ़ोन नहीं उठाते, तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे फ़ोन अभी बज रहे हैं। तो काफ़ी जगह मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो फेसबुक के माध्यम से ये भी लिख रहे हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरा घर के दरवाजे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक आपके लिए खुले हैं, वहाँ पर ऑफिस में एक लड़का हमारा बैठा है, आप अपनी कंप्लेंट्स बता दें। और जहाँ तक फ़ोन की बात है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं फ़ोन तो ज़रूर उठा लूँगा, कोशिश कॉल बैक करने की करता हूँ, क्योंकि बड़ा 1,01,000 मतदाता यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में है, सबके फ़ोन हो सकता ना उठें, लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं 90-80% टेलीफोन को उठाऊं, और मुझे मेरा ये सौभाग्य होगा कि मुझे इन सुंदर पहाड़ियों को डेवलप करने का मौका ये परमात्मा ने और आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है। और विशेषकर ये कोल्लंग पंचायत है, जब मैं जिला परिषद में खड़ा था तो बहुत सारा मतदान मेरे पक्ष में इस पंचायत से हुआ था, और ये तो मेरे राजनीतिक पालनहर्ता हैं,
तो मैं चाहता हूं कि सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, वार्ड मेंबर, प्रधान, पंचायत सब आगे आएं और इस मानवता का, मानवता की सेवा करने का जो मौका मिला है इसको हम पूरी तरह से जो लोगों को समर्पित करें। आखिरी में एक चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ पे आपका जोरदार स्वागत हुआ, कुछ भाजपा के अगर मैं कहूँ बलराज जी हैं यहाँ पे जो बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपको ओपन समर्थन यहाँ से मिला है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे देखिए, मैं इनको इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। ये काफ़ी समय से भाजपा के बूथ जो है अध्यक्ष रहे हैं, 25 साल से, और आज ये कार्यक्रम इन्होंने ही यहाँ पे करवाया और रखवाया। बार बार फ़ोन किया, हालांकि यहाँ पे मिसहैपनिंग हुई थी, एक यंग लेडी की डेथ यहाँ पे हुई थी, लेकिन उनके मायके थे, खैर वो तुल्हा वासी हैं, तो ये मैंने मना किया, लेकिन बोलते मैंने परिवार वालों से भी परमिशन ले ली कि नहीं कार्यक्रम करो क्योंकि विकास नहीं रुकने चाहिए। तो इसलिए हमने कोई ढोल नगाड़े इसका हमने मैंने कहा कि ये चीज़ें बंद करिए, ये नहीं होगा। लेकिन तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जोगिंद्रनगर का विकास करना चाहते हैं। राजनीति चाहे बीजेपी या कांग्रेस है, राजनीति की परिभाषा सेवा नीति है। हम सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। अभी चुनाव विधानसभा के बड़े दूर है, हालांकि ठीक है एमपी के चुनाव अब आने वाले हैं, उसके लिए तो मैं ज़रूर अपील करूंगा लोगों से, लेकिन काम के माध्यम से हम वोट मांगेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये हमेशा उनके दिशा निर्देश हैं कि आप रिमोट गांव में जाएं, लोगों की समस्याएं सुने, मेरे पास लाएं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी सेहत का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा, रात को 11-12 बजे तक वो काम करते हैं। मैं 2 बार उनको, 1 बार 11:30 बजे, 1 बार 12:45 बजे उनके सेक्रेटरेट में मिला, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब हमारे मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं हमें क्यों नहीं काम करना चाहिए। नहीं तो राजनीति का ये अब ये ऐसा हो गया है कि राजनीति में आए मौज मस्ती करें, तो हम चाहते हैं कि हम जब तक लोगों का काम नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई मौज मस्ती नहीं, लोगों का कार्य करेंगे। बिल्कुल सही बात कही है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जिक्र आपने किया है, और मुख्यमंत्री जी जो है ज़्यादा आपने कहा कि वो सोते कम हैं, हमने भी देखा कि आप गाड़ी में भी सो रहे थे क्योंकि हम साथ में ही थे, तो क्योंकि 12-1 बजे तक तो आप आदमी मिलते हैं, अब सोते कब हैं, क्वेश्चन है हमारे जाने। मैंने अपना लोगों को कहा है, जोगिंद्रनगर के बीच शहर में मकान है, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक का समय है, रात को 12 बजे तक लोग थे, उसके बाद 1 बजे तक हमारा भी रात को लेट डिनर हुआ, और 2 बजे सोए थे और 6 बजे फिर उठ गए, तो हल्की सी झपकी गाड़ी में आ गई थी, तो रेस्ट तो किया थोड़ा, पर यह है कि वो चलते चलते कुछ अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं और काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे जीवन ठाकुर जी, और आज जिस तरह से ग्राम पंचायत कोलंग की गाँव गुदेड़ा में हम आपको ले रहे हैं, और मेरा खुद का गाँव, फिर मैं कहना चाहूँगा ये सारे तमाम लोग हैं पंचायत प्रधान यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, 1 मिनट, ये हमारे प्रधान जी हैं, अनिता जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका खबरकास्ट टीवी में। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से जीवन जी यहाँ पे आए थे, जो कार्यक्रम रखा था, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर आए, सर का स्वागत है ना, हमारी पंचायत में आए, सर का स्वागत है सर, जैसे कि सब की समस्याएं सुनी, हम चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें, बस। और सड़क का काम जो है आपके काम, बिल्कुल हाँ, सड़क का काम आज हुआ है, वो अच्छे से पूरा हो, सबका सहयोग, सबका साथ, बस। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद जी, इतने प्रधान जी। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये तमाम लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए और जोगिंद्रनगर की जनता के लिए एक सुखद खबर है कि जहां कहीं कोई बड़ी मुसीबत आती है, कुछ बड़ी समस्या होती है, तो जीवन जी वहां साथ खड़े होते थे। चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट। समस्याओं को सुनते हैं, हमारे गाँव और क्षेत्र की कुछ मुख्य समस्या मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। चौक गलू से गदियाड़ा अंतोला सड़क, इसको पक्का करना और सही ढंग से अंतोला तक सड़क को ठीक करना ताकि उसमें गाड़ियां चल सके। बिजली की समस्या, हमें अभी तक भी सिंगल फेज बिजली आ रही है, इसको कम से कम 2 या 3 फेज करना। गांव गदियाड़ा में बना पानी के टैंक में पानी डालना ताकि गर्मियों में पानी की समस्या को कम किया जा सके। महोदय, समस्या तो बहुत है, पर मैं जानती हूँ कि आप कोई विधायक या मंत्री नहीं है। जो समस्याएं मैंने आपके समक्ष रखी है, आशा करती हूं कि आप इन कार्यों को सरकार के माध्यम से जल्द ही जल्द हल करवाने की कृपा करेंगे। एक बार पुनः हमारे गांव में प्रधान ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। और आप सभी जो जितने पनगौन गांव से आए हैं, अंतोला से आए हैं, सभी जो, मैं सबको दिल से संबोधन करता हूँ, आप सब ने जो वेलकम किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इसी इलाके से
जो क्योंकि पिछड़ा इलाका माना जाता था, क्योंकि हम जब मेरी पंचायत भी द्रुब्बल पंचायत है उसको भी पिछड़ा मानते थे। माध्यम से भाई राकेश जी हैं और भाई मनीष जी ये जो मीडिया का काम करते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है जब किसी भी इलाके की कोई समस्या उठानी होती है, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अभी रखी जैसे रोड की बात है, तो मैं क्योंकि जब आया तो मोड़ में अब काफी वृद्ध हैं ठाकुर सिंह जी और सभी गांववासी जो पनगौन के जो मोड़ में खड़े थे, तो मैं वहीं से ही समस्याएं स्टार्ट करता हूं। तो अभी मेरी एक्शन साहब से बात हुई, जेई साहब से बात हुई क्योंकि सामने बैठे हैं, तो वहां पे अब हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि स्लैब कलवर्ट वहां डालें या वहां पे जो आपने कहा कि जो पाइप्स वहां पे डालें, क्योंकि लगभग जिस हिसाब से मैं कहूंगा एक्शन साहब से कि ये लगभग 6 पाइप्स वहां पे लगेंगे, या तो ये 6 पाइप वहां डालें या स्लैब कलवर्ट वहां पे बने, ताकि आज जो हम कहें वो हो भी जाए ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पनगौन के लिए मैं ये कह दूं कि आपके जो पाइप्स हैं वो डलेंगे या फिर आपका स्लैब कलवर्ट बनेगा, दोनों में से एक काम जरूर होगा। क्या महिला वर्ग ने जो चौक की महिलाएं पता नहीं यहाँ पहुंच गई होंगे, हाँ पहुंच गए हैं, तो एक बहन के गौशाला है जो उसमें थोड़ा सा छोटा डंगा लगेगा, और बहन ने एक पत्थर बताया बहुत बड़ा, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी का काम नहीं है, उसको तो थोड़ा कुछ आपको लोकल कोई पत्थर तोड़ने वाला लगाना पड़ेगा तब जा करके वो ठीक होगा, क्योंकि लेकिन डंगा वो जो है जैसा वो उसको जरूर हमने लगाना है। और उसके साथ आगे एक पोल है जो मैंने भी देखा कि पोल बिल्कुल थोड़ा अड़ा हुआ है और कहीं बिजली का पोल गिर जाएगा, उसके साथ भी डंगा लगाना पड़ेगा, और उस पर घर है और ये हाँ वहाँ पे भी एक डंगे का करना पड़ेगा एस्टिमेट, ये आप करें, क्योंकि मैं खड़े होकर के जैसे कि आप सब लोगों को ये कहा गया कि मैं कोई विधायक नहीं मंत्री नहीं, लेकिन प्रयास करूंगा कि विधायक और मंत्रियों से ज्यादा काम आपको करके दिखाऊं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि इस सड़क में भी अगर इस सड़क को अच्छे ढंग से बनाना है तो एक्शन साहब कह रहे थे कि लगभग इसमें 55-60 लाख रुपए का खर्चा आएगा, अंतोला गांव तक तो पहुंचेगा, लेकिन पक्का करना और उसके लिए डंगे ये वो, तो धीरे 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 ये काम भी होगा। और जहाँ तक महिला मंडल प्रधान जी ने ये कहा गद्याड़ा के जो हमारे महिला मंडल प्रधान है और मनीष जी ने कहा और राकेश जी ने तो मुझे लिख के भी भेज दिया था कि ये समस्या है, तो ये जो रोड है आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति नेता आए और काफी बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे रहे, कुछ ने काम किया, कुछ ने ज्यादा आश्वासन दिया। जब इतने समय से आपकी ये समस्याएं रोड की नहीं हुई, तो आप लोग थोड़ा धीरज रखें, धैर्य रखें, धीरे धीरे हम इन सबको करेंगे। लेकिन दूसरी बात और कही कि बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि कोई नेता जब अगर किसी स्टेज पे खड़ा होता है, आज आप मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, आप ये हमारा ये इतना आदर कर रहे हैं, अपने आप नीचे बैठे हैं हमें ऊपर बिठाया है, तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है। अगर मुझे जिला परिषद बनाया और राजनीति में कोई मेरी पहचान बनी तो वो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है, इसलिए आप लोगों का पूरा हक है कि आप मांग रखें, जितनी मांगे आप यहाँ रखें, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे परिवार की मेरे इन गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, अब हम लोग नेताओं से मांग नहीं करते, आप मांग करें। हाँ अगर कहीं आपने मुझे 20 समस्याएं बता दी, अगर मैं उनमें से कुछ कर पाया और कुछ रह गई तो उसमें नाराज ना हो, हम पूरा प्रयास करेंगे उनको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से उन सबको पूरा करेंगे। लेकिन कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई तो फिर मिल बैठ करके हम दोबारा आएंगे, बैठेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी पानी के टैंक की बात कही प्रधान जी ने, जो महिला मंडल प्रधान है, तो पानी के टैंक की अभी मैंने एक्शन साहब से बात की। मैं बात कह रहा था कि हमारे जो ये दूर दराज के गाँव है, इन गाँव में मेहनती बच्चे, मेहनती युवा, मेहनती महिलाएं हैं और सब समझदार हो गए हैं। पहले क्या था कि लिंक नहीं थे, रोड नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तो थोड़ा सा हम ज्यादा पिछड़े थे। अब सब जागरूक हैं और जो भी उन्नति करते हैं वो गांव से करते हैं,
आपके बल्कि चौक गांव की ही बेटी जो बहन सामने बैठी है, ये मेरे घर में यहाँ वहाँ पे रहती है, तो आज बीएससी कर रही है। तो इंटेलिजेंट बच्चे जो है यहाँ पे हैं, और जैसे मैं देख रहा था जैसे अब बलराज जी हैं, अब इनको पता लगा कि नहीं काम हो रहे हैं तो हम बीजेपी को छोड़ हम जीवन के साथ चलेंगे। तो आज हमें इंसानियत को पहचान करके अपने इलाके की डेवलपमेंट कैसे करनी है, उस तरीके से हमने चलना है। और चाहे बलराज है, मैं ऊपर सुरगणी मंदिर में गया था, वहाँ मनीष मुझे मिला, पवन मिला, और काफी जो बच्चे मिले, बड़ा अच्छी धाम उन्होंने बनाई थी, वो भी हमने उसका भी आनंद लिया। व्यक्तिगत तौर पे भी, व्यक्तिगत भी कोई किसी की कोई समस्या हो किसी भी तरह की, तो वो आप मुझे बताएं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं किसी इंसान की मदद करने के लिए आगे आया हूं और परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया है। तो ये भी बताएं, और भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप बताएं।